हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब तो यार आज इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इंडिया ने जीते हैं 2-2 मेडल्स और काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई तुम लोगों का वीडियो क्यों नहीं आया। तो भाई साहब पता हमें लग चुका है, वीडियो भी आना था लेकिन बस अच्छी सी वीडियो का इंतजार कर रहे थे जहाँ पे अच्छे से हमें पता लगे। तो यार वीडियो का टाइटल है इंडियंस का खेल देख पाकिस्तान सुन। तो वॉच करते जल्दी से ये वीडियो, तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। मीरा भाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, शियर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। अगर तो जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओं को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए, ऐसे हीरे पैदा किए। जब आपका नेशनल बनता रिजवान, आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया, दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। के कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान विमेन टीम आज भारत से सामना होगा। वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। धोनी ज्यादा जीते हैं बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कहता तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। Absolute. तो भाईजान ये होती है कौमें। भाई चन्नू बिंदिया रानी दी एब्सोल्यूट आयरन रेडीज, लेकिन मीरा भाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 kg कैटेगरी के। अच्छा, जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया 12 kg का डिफरेंस था इनका, 12 kg का। ओए ओए अंदाजा लगाओ। जय हिंद दोस्तों, वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को 4 पदक मिल चुके हैं। सभी पदक वेट लिफ्टिंग में आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जिताने वाली मीराबाई चानू से सभी को पहले ही स्वर्ण पदक की उम्मीद थी और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि उनके अलावा संकेत, गुरुराज और बिंदिया रानी ने भी देश को पदक जिताए। गुरुराज पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुके हैं लेकिन संकेत और बिंदिया रानी ने पहली बार देश को पदक दिलाया। अच्छा। है बिंदिया रानी की कहानी भी बहुत हद तक मीराबाई चानू से मिलती। अच्छा। है एक गरीब परिवार में जन्मी बिंदिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स तक का सफर आसान नहीं था। 21 साल के संकेत महाराष्ट्र के हैं और उनके पिता की पान की दुकान थी। 29 साल के एक ट्रक ड्राइवर थे। पाकिस्तान मीडिया इन सभी खिलाड़ियों के संघर्ष को सलाम कर रहा है और चर्चा कर रहा है कि है उन माओं को जिन्हें इतने होनहार बच्चों को जन्म दिया। आज ये खिलाड़ी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आके नीचे से ऊपर जाते हैं, धमाल करते हैं। कल मीराबाई चन्नू ने, हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चन्नू किसी को करीब नहीं आने देगी। और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, शियर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस, आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने, तो इंडिया का लड़के ने भी जीता है। दिया मेडल टैली के अंदर 4 मेडल्स कल उन्होंने जीता दिया। 4 मेडल एक दिन में, एक दिन में मेडल जितवाए। दो लड़कियों ने, दो लड़कों आपके लिए सिल्वर लेकर आया, गुरुराज आपके लिए ब्राउन्स लेकर आए, मीराबाई चन्नू गोल्ड लेकर आई, बिंदिया रानी सिल्वर लेकर आई, मीराबाई चन्नू बिंदिया रानी दी एब्सोल्यूट आयरन रेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 kg कैटेगरी के। अच्छा। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया 12 kg का डिफरेंस था इनका, 12 kg का, यानी 12 kg किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी 12 kg का स्नैच में डिफरेंस, बहुत फर्क है। जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ा बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो, कि कल जब वो बात करी थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार, गॉड डैमिट ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, एकदम से मीराबाई चन्नू एक मेडल जीत के लाती है और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था
और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया की पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी वो मीराबाई चन्नू लेकर आए। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखें कि तो जाने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा, और कल मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया। कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कम्पीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। तो अगर ये इनका प्रोग्रेशन इसी तरह चलता रहा मीराबाई चन्नू को, और जितनी 49 कैटेगरी में इनका डिफरेंस था अपनी दुनिया भर की कॉमनवेल्थ नेशंस की ओपोजिशन से या ओपोनेंट से, तो ये बात तो आप रख लीजिए कि पेरिस 2024 में अगर कोई भी आप गोल्ड की वैसे इनसे उम्मीद रखें, अगर ये गोल्ड भी नहीं लेकर आती तो आपको टॉप 3 के मेडल टैली पे जरूर लेके जाएंगे। क्या बात है यार, मतलब कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 49 कैटेगरी के अंदर, 49 केजी की कैटेगरी होती है उसके अंदर, जो इसकी दूसरे नंबर वाली थी ना जो उठा रही थी, 12 केजी का डिफरेंस आया है, मतलब कि ये उसे 12 किलोग्राम ज्यादा उठा रही थी, बहुत है ना यार, वही ना। और फिर जो सेकंड था तो फिर वो एक अलग ही चीज हुई है, लेकिन ये है कि भाई इंडिया के कल माय मिस्टेक मैंने दो का सुना था, लेकिन मुझे इस वीडियो के अंदर पता लगा इंडिया 4 जीत के लाया पहले दिन ही 4, मतलब जिसमें से गोल्ड मेडल भी है सिल्वर भी है, भाई क्या कर रहे हो यार, मेडल चाहे सिल्वर है चाहे गोल्ड है, घंटी के लिए कुछ जीतना बिल्कुल। और यार कोई पान वाले की बेटी, कोई ट्रक ड्राइवर की बेटी, कोई क्या इतनी अमीरों की तो औलाद थी नहीं इसमें, वाकई वजह ये बात सोचनी वाली, सारे गरीबों की औलाद ऊपर से नीचे उठे हैं तो किधर पहुंच गए यार, ऊपर वाले जब देते हैं ना। और फिर आगे से इंडिया ने उनको प्रमोट करा, उनके खेल को प्रमोट करा, उनको आगे लेके आया। हमारे में गरीब आते हैं लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, वो फिर जाके पता नहीं निकरे चढ़ी गई बेच, बिल्कुल सही। हमारे भी बॉडी बिल्डर से, चलो ये तो अलग है, बॉडी बिल्डर था एक, वो बड़ा मतलब के बड़ा अच्छा था, उसने काफी एशिया के अंदर भी जीते जाके जितना उस तक था, वो जाके कच्चे बेच रहा है बाजार में लाहौर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंदा क्या वो अंपायर था, क्रिकेट का पैर भी है, उसने भी एक दुकान डाली हुई पाकिस्तान। क्या करे बाबा, बात ही ऐसी है। लेकिन इंडिया के अंदर मैं कहता हूँ कि कोई छोटी स्पोर्ट्स भी है ना, वेट यार, वेट लिफ्टिंग में कौन इधर उधर देता है ध्यान, देखो कोई नहीं देता। देखो क्रिकेट है, हॉकी को चलो थोड़ा बहुत दे दिया, फुटबॉल ये वो ज्यादा खेले यही चलती है, लेकिन यार इसके अंदर इंडिया ने इतना सपोर्ट दिखाया कि अगले ने गोल्ड मेडल ला के हाथों में रख दिया इंडिया पहले दिन। और यार मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के अंदर क्या वाकया होगा इस टाइम यार, माओ और बापों को सलाम वाकया पहुंचता है जिन्होंने ये एरिया पैदा किया, और आज इन हीरो ने इनको हीरो को तराशा, ये मेरी बात, और आज इन हीरो को तराश और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ये मेरी बात याद रखे, जब देश लौटेंगे ना मोदी जो इनको आपने आप खुसूसी तौर पे वजीर बिल्कुल मिलेंगे मिलेंगे 100%। तो यार आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।